लड़के को छुड़वाया, कैसे लोग स्कूल लोग थे, और ये जमीन क्या आप लोग की है या कोई किसी और की? हमारा दादा परदादा से 40-45 साल हो गए केस लगे हुए हैं और अदालत में केस है, कल नहीं परसों तारीख है। इनको पता है ये हर तारीख में पेश होते हैं, इनको पता है अभी ये इंतकाल खारिज होगा, डिग्री खारिज होगी तो इन लोग ये लोग कब्जा करने के लिए। तो हम घर में सो रहे थे तो हमें फूल आया आपकी जमीन रात 12 बजे सामान लेके आए। आप लोग बोल रहे हैं और ये अच्छा ये बताएंगे इसमें ये मेंशन कर दीजिएगा बात की किसके नाम पे जमीन है और कितनी। ये जमीन सारी हमारे नाम पे थी, इसके ऊपर मुकदमा चला था हमारा, अपने जो कबर का बंदा है उसके साथ मुकदमा चला था, उसने जेली तौर पर एक तरफा डिग्री करवा के जमीन अपने नाम मुंतकिल कर दी 5 कनाल। फिर हमने 12-2 की दरख्वास्त दे के केस शुरू कर दिया कि हमारे साथ फराड हुआ है, हमें पता भी नहीं है कि एक तरफा डिग्री हो गया केस और जमीन भी 5 कनाल उसके नाम हो गया। तो उसने ये 50 लाख रुपये मरले वाली जमीन 25 लाख में सारी फरोख्त कर दी 5 कनाल। तो फिर हमें पता चला जिन्होंने ली है वो आ गए, वो बोल रहे थे कि हमने जमीन ली है, हमें तब नहीं। हमने फिर उनके खिलाफ की दरख्वास्त की, उनको भी पहले हमारे गांव के आदमियों ने ली, फिर पिंडी के आदमियों ने ली, फिर वैसा के आदमियों ने ली, 3-4 आदमियों ने ली। फिर आज सुबह हमें जब पता चला कि फोन आया हमें कि आपकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, अभी कल नहीं परसों तारीख है इस ज़मीन की, उनको पता है कि अभी ये खारिज हो जाएगा, ये सारा जेली काम है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो लोग सुबह सवेरे सवेरे आ गए और ज़मीन पे काम शुरू कर, हम लोग बजाय यहाँ ज़मीन पे आने के इसलिए कि हम ज़मीन पे नहीं आए कि इधर फसाद शुरू हो जाएगा, इसलिए हम चले गए थाने में कि आप आए, आप हमारी मदद करें, हम मौके पे जाएंगे तो फसाद बन जाएगा। जो हमारे गांव के आदमियों को पता चला, नटोपे के वैरती लोग हैं, उनको पता चला कि हमारी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, ये सब इधर जमा हो गया। और हम नहीं चाहते कि कोई फसाद हो, हमें बस इंसाफ की उम्मीद है, इंशाल्लाह हमारा केस लगे हुए ये सारे कागजात हमारे पास मौजूद। अच्छा, जब आप लोग आए तो वो लोग खुद भाग गए या क्या हुआ, कैसे आप लोग? हम लोग आए तो वो लोग पहले हम थाने में गए तो वो जो सजाद है SI वो बोल रहा है कि मैं आपके साथ जाऊंगा तो आप फसाद में करें, तो फिर वो आ गए तो उन्होंने काम रुकवा दिया, फिर वो जो कब्जे वाले थे वो भी चले गए, तो फिर अभी हम ये सामान मसला अफहाम तकीम से हल हो गया। अच्छा, ये किसके नाम पे, नाम जरा बताएंगे? यह ज़मीन कुछ सारी पहले हमारे नाम पे थी, अभी इसमें 5 कनाल ज़मीन है जो एक तरफ डिग्री की बुनियाद पर यह 5 कनाल ज़मीन इसमें फरोख हो चुकी है। इसमें कब्जा हुआ कितना ये तकरीबन, अभी तो ये नाप तो नहीं किया, वैसे ही आके वो लोग सारा फ्रंट फ्रंट उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। आपके साथ कोई और भी इसमें हिस्सेदार है? नहीं जी, मैं हूँ, मेरी बहन है, वाले साहब फौत हो गया, इनके भी हमारे चाचा का बेटा है जी, इनके भी इसमें Thank you.